हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। मतलब आज स्पेशल मतलब होता है ना, कल मंडे है तो हमारे घर में रुद्र अभिषेक है, तो उसी का पूजा का सारा कुछ सामान लेना है, तैयारी करना। तो सबसे पहले हम लोग चिपड़ी ये गोइठा लेने के लिए आए। यहाँ पे 2 रुपये पर पीस मिला, हम लोग कुछ भी डिस्काउंट वगैरह नहीं करवाएँ और 100 पीस लिए हैं और चल दी, क्योंकि पूजा में ये बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद फिर हम लोग गए फल दुकान में, यहाँ पे अनारस लिए और बहुत सारा फल लिया, सेब, अमरूद, आम, केला, फिर मौसमी, सारा फल लेकर। और फिर हम लोग नारियल पानी लेने के लिए गए। नारियल पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है चढ़ाने के लिए शिव जी को। तो यहाँ पर हम लोगों को प्यास भी लग गया था तो पिए, हाथ धोए, उसके बाद फिर हम लोग पैक करवा के घर पे आ गए सब कुछ लेकर। घर पर जैसे आए वैसे बारिश स्टार्ट हो गया। हम लोगों को जाना था आज फ्रेंडशिप डे अपने में सेलिब्रेट करने का, जिसको ऑलरेडी मैं छोटू सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर की हूँ, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। देखिए पूरा बारिश होने लगा, तो फिर हम लोग गाड़ी से निकले, फिर आए हम घर पर। तो घर पर आने के बाद मैं लगाई थोड़ा थोड़ा मेहंदी, एक्चुअली ज़्यादा मेहंदी नहीं था, नहीं तो और अच्छे से मैं लगाती, बट थोड़ा सा तो दोनों हाथ में थोड़ा थोड़ा मुझे पुराना था, तो देख सकते हैं मैंने मेहंदी और नेल पेंट दोनों ही लगा ली और फिर सो गई। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो हैप्पी थर्ड मंडे, देखते देखते तीसरा सोमवार आ गया, पता ही नहीं चला सावन इतना जल्दी बीत रहा है। और सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ का आवाज़ आता है ना, तो बहुत सुकून सा महसूस होता है। एंड आज पूजा है तो बहुत कुछ तैयारी करना है, इतना सारा बर्तन रखा हुआ है तो सब माँ धो रही है, क्योंकि बारिश भी बहुत हो रहा था, देख सकते हैं। फिर इधर मैं फ्रेश हो ली, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा रूम में। लेकिन उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपना मेहंदी। तो एक हाथ में कुछ इस तरीके से मैंने लगाया जो कि ऐसा कलर आया है, और एक हाथ में मिस्टर ने लगाया। ये मेहंदी तो कोई अनमोल से नहीं हो सकता भाई, एक तो कितना कन्विंस करो लगा दीजिए। लगाने के बाद कुछ इस तरीके का लगाते जो कि बहुत ही कीमती हो जाता है हम वाइफ लोगों के लिए। एंड उसके बाद अभी मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ। मैं पूजा के टाइम में साड़ी पहनूंगी, तो अभी मैं फटाक से ये सूट पहन ली। देखिए कुछ इस तरीके का लग रहा है, कॉटन है हल्का है, और बहुत दिन भर काम है तो आराम से मैं कर भी पाऊँगी। तो अभी जा रही हूँ, हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। तो मेकअप में कुछ नहीं, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक लगा ली लाइट एंड प्रॉपर मैंने अपना मांग भर लिया है। और अभी चलिए पूजा रूम में, पूजा करेंगे सबसे पहले घर में। माँ उधर गई हैं फ्रेश होने के लिए, तो यहाँ पे सब कुछ है, इधर पूजा का सब कुछ रखा हुआ है, सब धोना है, रेडी करना है, पहले पूजा कर ले मंदिर जाए, उसके बाद वो सबका भी प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मेरा पूजा हो चुका है, बस माँ आए तो आरती होगा। तो तब तक मैं सोची कि चलो मैं फल धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फल सारा धो दी अच्छे से, जो जो ऊपरेली काम था ना, तो मेरे से जितना हो पाया मैंने वो सब कर दिया है। तो अभी माँ को आने में थोड़ा टाइम था, तो मैं सोची मैं पैर में आलता नहीं लगाई हूँ और आज मेरा फास्टिंग भी है, पूजा पे भी बैठना है, तो चलिए पहले आलता लगा लेते हैं। और फिर इतने में माँ आ गई। तो हमारे घर में अच्छे से पूजा हो गया, अब हम निकले मंदिर की और। यहाँ पर आए तो मंदिर में भीड़ था, तो अभी आए हुए हैं प्रीतेश जी घर पर, तो ये भी हमारे साथ मंदिर आए, जल चढ़ाए शिव जी को और फिर हम लोगों ने भी पूजा किया। देखिए शिव जी का दर्शन कर लीजिए, बस यहाँ पे ना अच्छे से शिव जी का दर्शन हो जाता है। और थोड़ा देर हम लोग यहाँ पर रुके, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए घर की और पूरा फेस का हालत ख़राब हो गया है, देख सकते हैं। सो हम आ गए घर एंड आज बहुत गर्मी, इतना अच्छा मौसम हुआ था बट फिर से धूप निकल गया, बहुत गर्मी लग रहा है। और मैं इयरिंग्स पहनना भी भूल गई थी पूजा करने टाइम, क्योंकि अभी मैं सब पहनूंगी वो आपको वो दिखेगा। अभी पूजा पाठ अच्छे से घर में भी हो गया, मंदिर से भी आ गए, अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट देने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट देने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में वैसा कुछ बनाया नहीं होगा, सैंडविच बनाया, तो वही जा रही हूँ गर्मा गर्म बना कर दे दूँगी और फिर उसके बाद पूरा दिन का प्रिपरेशन करेंगे। एंड 3 बजे से पंडित जी आएंगे, 3 बजे से पूजा होगा, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एंड सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे प्रॉपर होता है ना पूजा में बैठूंगी, तो उसके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ना मतलब पूजा में जाती हूँ तो मतलब पीछे बैठती हूँ, पूजा भी करती हूँ, लेकिन कभी प्रॉपर सामने में होता है ना, जैसे एकदम नियम से पूजा किया जाता है, पंडित जी करवाते हैं, वैसा कभी मतलब हुआ नहीं है मेरे साथ, मतलब मैं कभी नहीं की हूँ मुझे जहाँ तक याद आता है। तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ, उसके लिए मैंने बहुत रेडी शेडी किया है, देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मेहंदी भी लगाई थी, वो मैं आपको दिखाई, और मैं दिखाऊंगी मैं कौन सा साड़ी पहन रही हूँ। एंड मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज भी सिलवाया है, तो दिखाऊंगी, पहले मैं ब्रेकफास्ट ही कराती हूँ।
तो आज लहसुन प्याज नहीं बनेगा, तो ऑलरेडी मेयोनीज में हम लोग खीरा मर्चा टमाटर डालकर कॉर्न वगैरह डाल के रेडी कर लेते, तो यहाँ पे सैंडविच बना के उन लोगों को दे दिए, वो लोग खा लिए। हमारा तो फास्टिंग है तो हम यहाँ पे नारियल पानी पी रहे हैं, तो कुछ इतना पानी निकला है तो इसको पी ली। उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट बैठी आराम की, उसके बाद फिर फटाक से हम लोग किचन में लग गए। तो आज जो है पूजा है तो सबको बुलाई हूँ, तो सबको एक रात में खाना भी होगा, तो यहाँ पर इतना कुछ बनाना है। पहले माँ के लिए चाय बना दी, फिर इधर बन रहा था पुलाव जो कि ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ा बाकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके का अभी दिख रहा है, जब बन जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी। उसके इधर बन रहा है तड़का, जो बहुत ही स्पेशल तड़का है, इसमें थोड़ा पनीर भी डाली हूँ। एंड उसके बाद अभी पनीर का सब्ज़ी बनाना बाकी है, तो तड़का और पुलाव तो हमारा बन के रेडी हो गया है, अब बारी है पनीर का सब्ज़ी का। तो सब कुछ कर दी हूँ, तो बस अब पनीर डालना है और ये हमारा पनीर का सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, मटर पनीर। एंड खाना हमारा बन गया। अब सबसे पहले हम लोग अग्नि देवता को पूछते हैं, और फिर पूछ कर यहाँ पर सारा खाना ये हो रहा था, तो मासी आई, तो मासी सारा काम कर रही थी, तो उनको मैंने एक और काम दे दिया कि आप अनारस काट दो, तो वो अनारस काट रही हैं। इधर पूजा घर में आई तो देखी माँ यहाँ पे बेलपत्तर तोड़ रही है, तो अभी मैं इनका हेल्प करूँगी। तो बेलपत्तर मिलके तोड़ लिए हम लोग, और अभी मेरे को बेलपत्तर में लिखना है राम राम। पूरा 108 बेलपत्तर लेकर मैं बैठी हूँ काउंट करके, और 108 बेलपत्तर में राम राम लिखूँगी। बहुत टाइम लग गया यार लिखने में, तो यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे कर करके 10, 20, 35, 50, 60 फिर 108 हुआ। उधर माँ पूजा का सब कुछ कर रही थी और फाइनली बेलपत्तर में लिखा गया। और फिर यहाँ पर होगा पूजा हॉल में, तो चलिए सारा कुछ ला के यहाँ पे रख देते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे ले आई हूँ, बस अब पंडित जी आएंगे तो सब तैयारी वैरी करेंगे। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ रखा गया है लाकर, और उधर पूजा घर में माँ पूड़ी हलवा चूरन सब बना उना के रेडी हो गई हैं। तो इधर इनका ये सब चल रहा है, मतलब इधर ये बना रही हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा अनारस जो काटी है मासी वो खा लेती हूँ, उसके बाद मेरे को फिर से फ्रेश होना है और फिर रेडी होना भी है। तो यहाँ पर मैं अनारस थोड़ा सा लेकर आई, क्योंकि सुबह से मैं एकदम भूखी हूँ। मैं तो आज चाय भी नहीं पी, बस नारियल पानी पी कर हूँ, और अनारस बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं आज ये वाला साड़ी निकाली हूँ ग्रीन ग्रीन, तो ये मैं रिसेंटली एग्जीबिशन से ख़रीदी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखे तो वो भी ब्लॉग देख लीजिएगा। और कुछ इस तरीके से डिज़ाइनर ब्लाउज सिलवाई हूँ, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, पहनने पर मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला है। एंड ये मेरा शादी का चुन्नी, इसको मैं कितने टाइम बाद लूँगी, मतलब इसको देख कर मुझे पूरा अपना शादी का याद आ गया। और फिर शादी का याद आता है तो फिर मुझे याद आता है, अगर यार आप लोगों के साथ उसका वीडियो भी शेयर करना था। आप लोग पहले बहुत बोलते थे कि अपना शादी का वीडियो शेयर करो, तो जल्दी मैं शेयर करूंगी, लेकिन पहले देख लीजिए ये कुछ इस तरीके का चुंदरी है। मेरे टाइम में ऐसा ही चुंदरी चलता था, इसका कलर कॉम्बिनेशन आज भी मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, इसमें थोड़ा मयूर बना हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पर इनके लिए भी मैंने ये कुर्ता पैजामा निकाल दिया है, और ये देखिए 3 बज गए अभी तक पंडित जी नहीं आए हैं। दोपहर का 3 होने वाला है और सारा कुछ हो गया है, सारा तैयारी वगैरह हो गई, जो बचा कुचा कुछ बनाने को है वो माँ बना रही है। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, और मैंने साड़ी वगैरह दिखा दी कि मैं ये पहनूंगी, तो अभी जा रहे फटाक से फ्रेश होते हैं एंड रेडी होते हैं, उसके बाद फिर जो करेंगे इसको दिखाऊँगी। एंड मैं अलग से सोच रही हूँ कि मेकअप वीडियो भी शूट करूँ, तो देखते हैं जो पॉसिबल हो पाया वो मैं करूँगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ फटाफट नहा कर आती हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी नहा के पूजा पाठ कर लेती, अभी होता है ना कि थोड़ा पानी वानी पीऊँ तो मुँह जूठा हो गया है, तो इसीलिए एक बार नहा लूँगी तो पूरा फ्रेश हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर रहूँगी। सो फ्रेश होकर निकली तो देखी दीपा जी, जूली जी, ज्योति जी, मौसी जी सबको आ गए हैं पूजा में, और पंडित जी भी आ गए, वो तैयारी कर रहे हैं। मैं फटाफट रेडी हो गई, और रेडी होकर मैं एक वीडियो भी शूट की हूँ, जो कि इसके बाद मैं शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। सो ये मेरा पूरा फाइनल लुक रहा, कैसी लग रही हो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा ब्लाउज इतना सुंदर मुझे लग रहा था ना, आप लोग बताना आप लोग को कैसा लग रहा है। एंड मैं इस ब्लॉग को यहीं पर कर रही हूँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ पर मैं प्रॉपर पूरा पूजा का वीडियो डालूँगी, तो जरूर से जरूर देखिएगा, आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।